नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज सैटरडे का दिन है, तो आज अपने कुछ ट्रेडिंग के बारे में बढ़िया बातों पे चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हो सके। अधिकतम ऑप्शन बायर्स रिटेलर्स जो है वो इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी और आजकल फिर निफ्टी मिडकैप भी आ गया है, तो अपना दायरा यहीं तक सीमित रखते हैं, इसी में कॉल या पुट बाई करते हैं। अभी जो इंडेक्स का रुख हमको दिखाई देता है, ये इंडेक्स थोड़ा गैप अप खुलता है, वहाँ से खुलते ही शार्प डाउन होता है और उसके बाद ऑलमोस्ट सारा दिन रेंज बाउंड हो जाता है, जिससे कि ट्रेडर्स को ट्रेड लेने में बहुत दिक्कतें आती हैं। मूवमेंट ही नहीं है तो फिर बाइंग कैसे करेंगे? तो या तो सारा दिन आप देखते देखते गुजार देंगे और या फिर गलत ट्रेड लेंगे और उसमें फंसेंगे, तो जिसमें दूसरी संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है कि जरा सा कहीं स्पाइक दिखा, आप एंट्री लिए, उसके बाद प्राइस वहाँ से घूम गया, आपका सेलेक्ट किया और आपका नुकसान कर दिया। अब चूंकि नुकसान हुआ है तो उसको कवर करने के लिए बार बार ट्रेड लेंगे, बार बार वही चीज़ रिपीट होगी और बार बार नुकसान होगा, करते करते शाम को बड़ा नुकसान हो जाता है। रिटेलर की एक प्रॉब्लम होती है कि पूंजी कम होती है, इसलिए वो सेलिंग में नहीं जा पाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए ऑप्शन बाइंग में ही दूसरा विकल्प है स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग करने का, जहां पे इंडेक्स का बहुत अच्छा बुलिश मूवमेंट होने के बावजूद मैक्सिमम मूवमेंट कितना हो सकता है, 0.8%, 1%, उससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता। इतना मिल गया तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ। वहीं पे एक कॉमन स्टॉक अगर अच्छा बुलिश है तो 3% से 4% तक का मूवमेंट तो बड़े आराम से दे देता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम केवल इंडेक्स के ऊपर रिलाई नहीं होकर के अगर स्टॉक्स को भी नज़र में रखें तो आपको रोज कहीं ना कहीं मूवमेंट तो मिल ही जाएगा। इंडेक्स मान लीजिए बिल्कुल रेंज बाउंड चल रहा है तो भी कोई ना कोई स्टॉक एफएनओ में ऐसा होगा जिसमें कि 3% से 4% तक का मूव बड़े आराम से हो जाएगा। और स्टॉक में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंडेक्स में नहीं है। इंडेक्स में आपको उतना प्रॉफिट करने के लिए या तो नंबर ऑफ लॉट्स बहुत ज्यादा रखने होंगे और या फिर इंडेक्स जो है बहुत तगड़ा मूवमेंट दे, आप उसको पिक कर लें तो हो पाएगा, नहीं तो आपका उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बनेगी। पर लॉट इंडेक्स में अगर आपके 500 से 1000 रुपए बन गए तो समझ लीजिए कि बहुत बन गए, जबकि स्टॉक में एक लॉट में अगर ठीक ठाक मूवमेंट रहा तो 5000 से 10000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं होती। दो लॉट ले लिए, तीन लॉट ले लिए, चार लॉट ले लिए तो फिर तो 40-50 हज़ार की भी इनकम आपकी बड़े आराम से हो जाएगी। लेकिन जो चीज़ जितने फायदेमंद है उतने ही ज़्यादा रिस्की भी है, उतना ही ज़्यादा उसमें परिश्रम भी लगता है। पैसा गंवाना बहुत आसान है और पैसा कमाना काफ़ी मुश्किल है। तो जब आपको प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा चाहिए तो आपको मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स में आप केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ध्यान दे दिए, आपका काम हो गया। लेकिन जब आप स्टॉक्स पर भी नज़र रखेंगे तो आपको कम से कम 40-50 स्टॉक्स पे नज़र रखना पड़ेगा और उनका ब्रेकआउट वगैरह मूवमेंट वगैरह देखना पड़ेगा। अब उसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे उपाय करते हैं, कोई स्क्रीनर्स देखता है, कोई खुद से एनालाइज करता है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ जिससे कि आप बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छे स्टॉक खोज सकेंगे जो कि नेक्स्ट डे 4-5% का मूवमेंट दे सकें। अब इसमें 100% प्रोबेबिलिटी नहीं है, कभी कभी गड़बड़ भी हो सकता है, लेकिन औसतन पर डे एक दो स्टॉक आपको ऐसे मिल ही जाएंगे जो कि इस ढंग का मूवमेंट दे सकें, और एक दो स्टॉक ही अगर मिल गए तो समझ लीजिए कि चांदी हो जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले गुजारिश यह है कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल हमारा आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके अलावा आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, मेंबर्स को हम लोग बहुत सारी बेनिफिट दे रहे हैं और बहुत सारी बेनिफिट देने के लिए और भी विचार किया जा रहा है, जैसे लाइव मार्केट में एक्सेस रहेगा, कोर्सेज में बहुत डिस्काउंट मिलेगा, मेंबर्स ओनली वीडियोज रहेंगे, बहुत सारे स्टफ फ्री लर्निंग के लिए जैसे PDF वगैरह दिए जाएंगे, स्टूडेंट्स और मेंबर्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इंक्लूड किए जाएंगे, तो ये सब बेनिफिट जो है मेंबर्स के लिए है, तो इससे ट्रेडिंग में और आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा होगा। इसके अलावा आप हमारा हेजिंग और प्राइस एक्शन के ऊपर में कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की खासियत यह है कि काफ़ी नॉमिनल फी है, कंटेंट बहुत ही बेहतरीन है, ये कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है बल्कि लाइव क्लासेस हैं जहाँ पे मैं लाइव आता हूँ और स्टूडेंट्स को लाइव पढ़ाता हूँ। 1-to-1 इंटरेक्शन है, किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वहाँ डिस्कस भी कर सकता है। केवल थ्योरी ही नहीं बताई जाती है, लाइव मार्केट में मैं रोज रहता हूँ, हमारे साथ बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो भी पढ़ाया गया बताया गया प्रैक्टिकली ऑन लाइव उसको दिखाया भी जाता है। मार्केट मूव कर रहा है तो क्या साइकोलॉजी है, क्या स्ट्रक्चर है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में भी काफ़ी इलेबोरेट ढंग से बताया जाता है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे बहुत सारी स्ट्रेटजीज भी हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलती है, साथ में होमवर्क और प्रैक्टिस के लिए टास्क भी मिलता है, कई सारी यूनिक और एक्यूरेट स्ट्रेटजीज भी मिलती हैं जो कि आपको प्रॉफिटेबल बनाने में काफ़ी काम आएंगी। मेंबर्स और स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहां स्टूडेंट और मेंबर्स आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं, और कोई क्वायरी अगर सटीक जवाब नहीं मिला तो उसका जवाब मैं भी देता हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर सारे मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स के पास में है, तो दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन व्हाट एवर दे लाइक। फ्री PDF भी मिलता है प्राइस एक्शन और हेजिंग का, अभी अंडर प्रिपरेशन है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सबको जिन्होंने भी कोर्स ज्वाइन किया है और जो भी मेंबर्स हैं उन सबको फ्री PDF भी मिलेगा, तो आप इसमें इंक्वायरी भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे फोन नंबर और ईमेल दोनों ही दिया हुआ है। तो चलिए इसमें सटीक स्टॉक खोजने के लिए क्या क्या करना चाहिए उस पर अपने चर्चा करते हैं।
तो उसमें सबसे पहले हम लोगों को करना क्या चाहिए, सेक्टर्स की एनालिसिस जो है ये जरूरी होती है। और उसमें देखिए कौन सा सेक्टर बुलिश है, कौन सा सेक्टर बेयरिश है। सेक्टर की एनालिसिस करने के बाद जो बुलिश सेक्टर है उनके बुलिश स्टॉक खोजने की कोशिश कीजिए, आपको 90% सक्सेस मिलेगा। क्योंकि सेक्टर जो बुलिश है वो सेक्टर बुलिश क्यों है, क्योंकि उसमें कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो कि काफ़ी बुलिश है, और उनमें से अगर एक दो स्टॉक भी आपको मिल गया तो फिर लॉटरी लग जाएगी। अब उदाहरण के लिए अपने शुरू करते हैं निफ्टी आईटी। देखिए ये निफ्टी आईटी का सेक्टर है और इसमें आप डे कैंडल में एनालिसिस कीजिए। तो चलिए डे का टाइम फ्रेम लगाते हैं और ये आईटी इंडेक्स का डे चार्ट लग गया। डे चार्ट में अब आप देखिए ये जो जगह है, ये जगह क्या थी, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये डिमांड जोन है। डिमांड जोन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ से इतनी बड़ी रैली मिली, प्राइस नीचे आया, इसी जगह से रिफ्लेक्ट होकर के अगेन ऊपर जा रहा है। और ये एरिया हमारा क्या है, ये सप्लाई जोन है, यहाँ से हमको काफ़ी ज़्यादा डाउन मूवमेंट मिला। प्राइस अभी उस जगह पे अप्रोच कर रहा है जहाँ पे सप्लाई जोन है। आईटी के सेक्टर में अब मेरे ख्याल से इस एरिया में सावधान रहना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट हो सकता है बट दैट इज डेंजरस। तो आईटी के स्टॉक अभी छोड़ दीजिए, नहीं लेने का है। दूसरा सेक्टर अपने आते हैं निफ्टी ऑटो। ऑटो का सेक्टर देखिए काफ़ी ट्रेंडी है, एकदम 16,000 से 26,000 के लेवल तक नॉन स्टॉप रैली दे रहा है। बीच बीच में करेक्शन आते हैं लेकिन नॉन स्टॉप रैली है, तो ये सेक्टर हमारे कंसिडरेशन में होगा। और देखिए इस ट्रेंड लाइन से इसने रिजेक्शन लिया, काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया, यहाँ से करेक्ट हुआ, लेकिन यहाँ से ये डाउन नहीं आना चाहता है। और जिस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, इट वांट टू क्रॉस दिस लेवल, 26,000 का रेजिस्टेंस है, ये लेवल को ये क्रॉस करना चाहता है। और चूंकि इतना तगड़ा कंसोलिडेशन है तो काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से अच्छी कैंडल से इस लेवल को ये क्रॉस करेगा। इसको हम नोट डाउन कर लिए कि ऑटो सेक्टर हमारे लिए लाभकारी हो सकता है। तीसरे सेक्टर में आते हैं निफ्टी फार्मा। अब निफ्टी फार्मा का आप चार्ट देखिए तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। निफ्टी फार्मा यहाँ से इतनी सुंदर रैली दिया, यहाँ एक कंसोलिडेशन लिया, लंबा कंसोलिडेशन था, उसके बाद में इस कंसोलिडेशन को बड़ी कैंडल के साथ में ब्रेक किया, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट दिया और ऑलरेडी ब्रेकआउट ये दे चुका है। तो निफ्टी फार्मा के आगे अच्छे मूवमेंट के आसार दिख रहे हैं, इसको भी अपने नोट डाउन कर लेते हैं। तीसरे सेक्टर पर आते हैं निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल देखिए काफ़ी अच्छी रैली दे चुका है और यहाँ पे इसका ट्रेंड थोड़ा सा थका हुआ लग रहा है। इलेक्शन एग्जिट पोल के दिन जो मार्केट ऊपर गया था और एक्चुअल रिजल्ट के दिन जो नीचे आया था, मार्केट उसके बीच में ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि इनसाइड ट्रेड कर रहा है और इसमें कोई खास मूवमेंट नहीं दिख रहा। तो जब तक ये इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाए तब तक इसमें लेना रिस्की है। हालांकि देखिए ट्रेंड पूरा का पूरा बुलिश है और संभावना है कि ये इस लेवल को क्रॉस करेगा, लेकिन कब तक इस रेंज में रहेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो जब तक ये इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता है तब तक अपने को इसके बुलिश होने का कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। ये प्रीवियस हाई से नीचे चल रहा और कोई ठिकाना नहीं है कि यहाँ से नीचे आ जाए, तो इस सेक्टर को भी हम अवॉइड करेंगे। तो इस तरह से आप सारे सेक्टर्स की एनालिसिस कीजिए डी चार्ट में और उसका प्राइस एक्शन देखिए कि क्या हो सकता है, क्या हो रहा है। जस्ट यहाँ पे आपको ये देखना है कि प्राइस हायर हाइज बना रहा है या लोअर लोज बना रहा है, ब्रेकआउट होने के आसार हैं कि नहीं है, कहीं नीचे जाने की तैयारी तो नहीं कर रहा, सप्लाई जोन से रिजेक्शन तो नहीं हो रहा, डिमांड जोन से ऊपर जाने की तैयारी तो नहीं कर रहा है, ये चीज़ें आपको देखना है। और अगर आपको इसमें कोई डिफिकल्टी हो तो आप सीधा 20 का मूविंग एवरेज लगा लीजिए और देखिए कि इंडेक्स उसको टच करके और रिजेक्शन ले रहा है तो समझ लीजिए कि वो ऊपर जाएगा। हालांकि प्राइस एक्शन एनालिसिस सबसे बेस्ट है। तो मेटल सेक्टर हमारे लिस्ट में नहीं है। तो दो मेन सेक्टर जो है ऑटो एंड फार्मा, अब चलिए उनको एनालाइज करते हैं कि उनमें कौन से स्टॉक बढ़िया मूवमेंट दे सकते हैं। इसके लिए हम एक वेबसाइट पे आएंगे इंट्राडे स्क्रीनर। तो इंट्राडे स्क्रीनर पे दिन का, हफ्ते का, महीने का, 90 डेज का और साल का सेक्टर का जो परफॉर्मेंस होता है उसकी स्टैटिस्टिक आपको बड़े आराम से मिल जाएगी सेक्टर परफॉर्मेंस में। तो इसमें कोई भी एनालिसिस करने से पहले लॉगिन जरूर कर लीजिएगा, बिना उसके आपको पूरा डेटा नहीं दिखाएगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो केवल लॉगिन करने से ही आप काफ़ी कुछ डेटा देख सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए हमको सबसे हाई परफॉर्मेंस दिखा रहा है प्रीवियस डे का ऑयल एंड गैस का। हमने ऑयल एंड गैस का एनालिसिस नहीं किया है, चलिए यहाँ कर लेते हैं। तो ये निफ्टी ऑयल एंड गैस का सेक्टर है। निफ्टी ऑयल एंड गैस ने भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया, उसके बाद कंसोलिडेशन में गया, ये फर्स्ट क्लास का मूवमेंट, उसके बाद एक लंबा कंसोलिडेशन, प्रीवियस हाई को ब्रेक भी किया है, तो इसके बुलिश जाने के काफ़ी अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। ये अगर सेक्टर एनालिसिस करते तो आपके रडार पे पहले ही आ जाता। अपने यहाँ पे ऑयल एंड गैस पे क्लिक किए तो ऑयल एंड गैस के जितने कंपोनेंट स्टॉक हैं सब खुल जाएंगे। इसमें से सबसे ऊपर जो सबसे ज़्यादा बुलिश है और उसी क्रम से धीरे धीरे कम बुलिश और बेयरिश स्टॉक तक ये लिस्ट जाएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा बुलिश अपने को दिख रहा है ONGC, तो चलिए इसको एनालाइज करते हैं ONGC का क्या हाल है। और ONGC भी देखिए सेम करेक्टर को फॉलो कर रहा है जैसा कि सेक्टर का है। यहाँ पे बहुत अच्छी रैली इसने दिया, उसके बाद इस लेवल पे कंसोलिडेट किया, न्यूज़ की वजह से नीचे गया, वहाँ से रिकवर किया और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है एक बहुत अच्छी कैंडल से, स्ट्रॉन्ग कैंडल से। तो यहाँ पे एविडेंट है कि इसके ऊपर जाने के आसार काफ़ी ज़्यादा हैं। तो कल के लिए हमारे लिए, कल यानी अगले दिन के लिए ONGC का स्टॉक हमारे रडार पे रहेगा। अब इसको थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी एनालाइज कर लेते हैं, तो उसके लिए आवरली टाइम फ्रेम में आते हैं। यहाँ पे हमने फिबोनाची पहले ही लगा करके रखा और देखिए यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन के बाद में बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, इसमें वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ है
और उसके साथ इसमें एक और इंडिकेशन मिल रहा है जो कि हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है, और वो इंडिकेशन है यहाँ पे काफ़ी तेज वॉल्यूम का आना। यहाँ पे काफ़ी तेज वॉल्यूम आया, इसका माने यहाँ पे स्मार्ट मनी का अच्छा इन्वेस्टमेंट है। प्राइस उसके बाद थोड़ा सा नीचे फॉल्स मारा, ये फॉल्स मारना माने जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया था उनका एसएल हिट करना। एसएल हिट करने से लिक्विडिटी मिलेगी और बहुत ज़्यादा लोग जो है जो बाई ऑर्डर लगाए थे वो सेल ऑर्डर लगाएंगे, तो इनके सेल ऑर्डर को बाई कौन करेगा? स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी धीरे धीरे यहाँ पे अपनी पोजीशन कंसोलिडेट किया और उसके बाद में बहुत अच्छी कैंडल से लंबा ब्रेकआउट मारा, तो ये स्टॉक हमारे लिस्ट में आना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो है बढ़िया स्टॉक जिसमें लिक्विडिटी बढ़िया होने का चांस है वो है रिलायंस। तो रिलायंस का भी अपने चार्ट देखते हैं। अब रिलायंस भी देखिए कितना बढ़िया मूवमेंट दिया है, यहाँ पे कंसोलिडेशन था, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, नीचे आना लाजमी था क्योंकि इन सब जगहों पे जो बाई ऑर्डर लगा है लोग यहाँ पे अच्छा बुलिश जा सकता है करके बाई किए होंगे और एसएल हो सकता है इस लेवल पे कहीं लगाए होंगे, उनका एसएल हिट करना जरूरी था तभी लिक्विडिटी गेन होगी। अब यहाँ पे देखिए एक काफ़ी एब्रप्ट अननेचुरल वॉल्यूम गेन हुआ था, ये वॉल्यूम गेन क्यों हुआ और वो भी देखिए किस कैंडल पे हुआ, जिस कैंडल में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, दिस कैंडल। इस कैंडल में इतना तगड़ा वॉल्यूम होने का कारण क्या है? यहाँ पे स्मार्ट मनी की एंट्री हुई है। स्मार्ट मनी की एंट्री के बाद में तुरंत प्राइस में चेंज नहीं आता है, ये लिक्विडिटी जनरेट करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं, यहाँ धीरे धीरे अपनी पोजीशन बनाते हैं ताकि सस्ते में माल मिले, रिटेलर्स का एसएल हिट हो, वहाँ लिक्विडिटी जनरेट हो, उस जगह पे ये सस्ते में माल खरीद सकें और अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर सकें। और उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे ज़बरदस्त रैली आई, ज़बरदस्त रैली आने के बाद यहाँ अगेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगे होंगे कि चलो भाई इसको ब्रेक करेगा, लेकिन क्या है यहाँ से प्राइस नीचे आया, एसएल हिट किया, प्राइस ने अगेन इस लेवल को काफ़ी अच्छे प्राइस एक्शन से ब्रेक किया, तो इसके भी ऊपर जाने के काफ़ी आसार बन रहे हैं, तो ये स्टॉक भी हमारे लिस्ट में आना चाहिए। इस तरह से हर सेक्टर को आप एनालाइज कीजिए और उसके ज़्यादा नहीं दो तीन या चार स्टॉक जो है लिस्ट में रखिए। तो इस तरह से बुलिश सेक्टर के मान लीजिए तीन चार बुलिश सेक्टर आपको दिखे और हर सेक्टर के आप तीन चार स्टॉक रखें, यानी कि 15-16 स्टॉक जो है आपके लिस्ट में आ गए। ये स्टॉक काफ़ी कम संख्या में है, इनको आप लिस्ट में शामिल कर लीजिएगा, इनका प्रोग्रेस देखने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब नेक्स्ट डे अगर मार्केट बुलिश गए और जो ब्रेकआउट वाले सेक्टर आपने नोट करके रखे हैं उनमें कोई मूवमेंट आता है, मान लीजिए वो ब्रेकआउट देते हैं या काफ़ी पॉजिटिव मूवमेंट देते हैं, तो एक तो आपका सेक्टर पॉजिटिव है, दूसरे प्राइस एक्शन से पॉजिटिव स्टॉक आपने लेकर के रखा है, तो सेक्टर में ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ, तो ऐसे स्टॉक के बुलिश जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। इसके अलावा आप कई सारी वेबसाइट है, मनी कंट्रोल है या इंट्राडे स्क्रीनर ही है, तो यहाँ पे आप टॉप गेनर्स को देखिए। चलिए आपको दिखाते हैं, यहाँ ये मार्केट है, मार्केट में टॉप गेनर लूजर, तो यहाँ पे वर्किंग डेज में कौन कौन से स्टॉक टॉप गेनर टॉप लूजर थे उनकी लिस्ट आ जाएगी एफएनओ सेक्टर के। यहाँ आप सेक्टर चूज कर सकते हैं, एफएनओ कैश, कैश में आपके सारे स्टॉक रहेंगे, एफएनओ में केवल एफएनओ के स्टॉक रहेंगे। आज चूंकि सैटरडे है, वर्किंग डे है, तो इसलिए चेंज ओआई यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। वर्किंग डे में यहाँ पे किसमें कितना परसेंट का ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, मान लीजिए स्टॉक बुलिश है और यहाँ पे ओआई बढ़ रही है, इसका मैंने तगड़ा लॉन्ग बिल्डअप हो रहा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसमें सबसे ज्यादा तेज लॉन्ग बिल्डअप हो रहा उस स्टॉक के। पहली बात तो यह है कि ये टॉप गेनर्स के स्टॉक है, तो इसमें लिमिटेड नहीं है कि मैंने 5 स्टॉक दे दिया या 10 स्टॉक दे दिया, नो, इसमें पूरी की पूरी लिस्ट आएगी एकदम असेंडिंग से लेकर के डिसेंडिंग स्टॉक तक, तो जो सबसे टॉप गेनर है वो सबसे ऊपर आएंगे, ज्यादा लूजर है वो सबसे नीचे आएंगे। ये इस तरह से लिस्ट चलती जाएगी, एक लिस्ट में 25 स्टॉक होंगे, उसके बाद आप और भी आगे पीछे जा सकते हैं, तो पहली लिस्ट में ही आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तब यहाँ पे अगर आपने जिन सेक्टर को शॉर्ट आउट किया है और जिन स्टॉक को शॉर्ट आउट किया है उसमें से कोई स्टॉक दिख जाता है, उसमें चेंज परसेंटेज अच्छा रहता है और ओआई चेंज भी बढ़िया दिखता है, तो आप उस स्टॉक को बड़े आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ देखिए पिवोट डेविएशन भी दिया हुआ है, यानी कि स्टॉक पिवोट के किस जोन में है। अब यहाँ पे देखिए एबव R3 दिया हुआ है, ये देखिए ये स्टॉक R2 R3 के बीच में है, ये स्टॉक R1 R2 के बीच में, तो जो स्टॉक R1 R2 के बीच में है उन स्टॉक के अगर आपके बुलिश लिस्ट में है, यहाँ पे ओआई चेंज भी बहुत अच्छा है और स्टॉक R1 R2 के बीच में है, तो इसके पोटेंशियल मूवमेंट देने की संभावना काफ़ी है, क्योंकि पिवोट R1 R2, तो यहाँ से स्टॉक R1 को क्रॉस किया है और R1 R2 के बीच में है और इसके ऊपर रहता है R3, तो मूवमेंट देगा तो R3 तक पहुंच सकता है, इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है, इवन R3 को भी क्रॉस कर सकता है। तो इस प्रकार जो आपका स्टॉक सिलेक्शन है उसमें देखिए एक तो सेक्टर हो गया, उसके बाद स्टॉक हो गया, उसकी भी हमने प्राइस एक्शन एनालिसिस किया मल्टी टाइम फ्रेम में, उसके बाद में OI चेंज हो गया यानी कि आज का सेंटिमेंट भी काफ़ी इसका बुलिश है, और R1 R2 के बीच में है यानी कि इसके ऊपर जाने की संभावना अभी काफ़ी ज़्यादा है। तो सेक्टर एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस, OI एनालिसिस और लेवल एनालिसिस, तो ये चारों हो गया है, तो वैसे स्टॉक के आपके डायरेक्शन में मूवमेंट करने की संभावना 90% से ज़्यादा रहेगी। ये स्टॉक 5-6% मूव करेगा, इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। आउट ऑफ 5-6% अगर 1-2% का मूव भी आप कैप्चर कर लिए तो एक लॉट में आपका 15-20K कोई बड़ी बात नहीं, आराम से बनेगा।
और अब उसके बाद में आप अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉक बढ़ा सकते हैं। तो स्टॉक के सिलेक्शन में आपको दो तीन चीज जो सावधानी रखनी है वो बता दूं। पहली चीज, तो स्टॉक लिक्विड होना चाहिए जिसमें वॉल्यूम अच्छा हो, और आप ऑप्शन चैन में देखेंगे तो कम से कम 100-200 से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बनी रहनी चाहिए आपकी स्ट्राइक पे। उससे कम है तो फिर थोड़ा डेंजर है, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है और आप बाहर निकलना चाहेंगे तो टाइम से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वहां पे आपको SL का रेंज भी लंबा रखना पड़ेगा, SL और ट्रिगर के बीच में, ताकि किसी भी हाल में उसको पास न कर पाए, वहां पे SL हिट हो जाना चाहिए। दूसरी चीज का ख्याल रखना है फिजिकल सेटलमेंट। स्टॉक में इंडेक्स की तरह से कैश सेटलमेंट नहीं होता। कैश सेटलमेंट का मतलब है जैसे आपने 24,200 स्ट्राइक का कॉल लिया और मार्केट एंड हुआ 24,400 पे, तो दोनों के स्ट्राइक का डिफरेंस कितना है 200। तो ये 200 रुपीज इंटू जितने का लॉट है, चलिए 25 पकड़ लेते हैं, तो 5,000 रुपया आपका कैश बेनिफिट हुआ जो कि आपके अकाउंट में आ जाएगा अगर आप एक्सपायरी के दिन एग्जिट नहीं किए तो। लेकिन स्टॉक में क्या फिजिकल सेटलमेंट है, फिजिकल सेटलमेंट का मतलब है ये डिफरेंस नहीं आएगा, आपको स्टॉक बाय या सेल करना पड़ेगा आपके लिए गए कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार। जैसे कॉल अगर आप बाय किए हैं तो आपको स्टॉक खरीदना पड़ेगा, पुट बाय किए हैं तो आपको स्टॉक बेचना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास स्टॉक होना चाहिए, आपके पास स्टॉक नहीं है तो आपको कैश मार्केट से स्टॉक लेके देना पड़ेगा। तो रिटेलर के पास पैसा नहीं होता है तभी तो वो बाइंग करते हैं, और अगर ऐसा करेंगे तो बेचारे उसमें फंस जाएंगे। तो एक्सपायरी के लास्ट वीक में आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फिजिकल सेटलमेंट आपको फंसा सकता है, लिक्विडिटी कम है, आप निकलना चाहे नहीं निकल पाए, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया तो उसके बाद आपको फिर ये कंपेंसेट करना पड़ेगा। तो एक्सपायरी में ख्याल रखिए लिक्विडिटी का अन्य दिनों की अपेक्षा ज़्यादा, यानी कि काफ़ी लिक्विड स्टॉक हो तभी मंथ एंड में लास्ट वीक में ट्रेड करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए, क्योंकि फंस जाएंगे तो जितना आपने प्रॉफिट कमाया होगा वो सारा का सारा निकल जाएगा। तो इस तरह से अगर आप स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं तो मेरे ख्याल से एक लॉट में आप 10-15 हज़ार तो बड़े आराम से कमा सकते हैं, नहीं भी 10-15 हज़ार बनेगा तो 5-6 हज़ार तो बन ही जाएगा। और बेस्ट तरीका यह है कि जब मार्केट हायर हाइज बना रहा है या स्टॉक हायर हाइज बना रहा है तो आप स्विंग लोज पे अपना SL ट्रेल करते जाइए और आपको निकलने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे मार्केट घूम करके आपके SL को हिट कर दिया या प्रीवियस कैंडल के लो पर, जो बड़ी कैंडल है उसके लो पर आप SL ट्रेल करते जाइए, जहाँ पे मार्केट आकर के आपके SL को हिट किया वहाँ आप एग्जिट होंगे, तो मैक्सिमम बेनिफिट निकलेगा। क्योंकि कोई कोई स्टॉक ऐसे होते हैं जो कि अगर बुलिश ट्रेंड है तो सारा दिन बुलिश जाते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा करेक्शन दे देकर के 40-50 हज़ार भी आपके सिंगल लॉट में बन सकते हैं अगर वैसा मूवमेंट मिला तो, और अगर इस तरह से आपने स्टॉक सिलेक्शन किया तो। तो काफ़ी कम पैसे में काफ़ी बेनिफिशियल तरीका है, इंडेक्स ट्रेडिंग की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, लेकिन इसमें आपको मेहनत रखनी पड़ेगी, एनालिसिस करनी पड़ेगी, कई स्टॉक की वॉचलिस्ट रखनी पड़ेगी और उसमें राइट टाइम पे एंट्री करना पड़ेगा, और साथ में कैश सेटलमेंट फिजिकल सेटलमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, लिक्विड स्टॉक में ही एंट्री करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो कोई कारण नहीं है कि आप इसमें बहुत अच्छा पैसा नहीं कमा सकेंगे। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोई समस्या हो तो भी कमेंट में लिखिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भी कीजिएगा, और साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन बातों का बेनिफिट उठा सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।